Can you see the screen? No, sir. You are not seeing screen? Yes, sir. दिख रहा है स्क्रीन? नजर आ रही है. आ रही ना? So now after having seen that, what do you mean by spectrum? What is spectral lines? What do you mean by molecular spectra? After having the knowledge that the molecule possess four type of energies, vibration, rotational energy, translational energy, and electronic energy. But the translational energy value is very, very small. Therefore, the spectrum of the translational energy, it is not considered or it is not considerable. Mainly or prominently, three types of spectrum of the molecule can be observed with the help of a powerful optical instrument having a good resolving power. And these spectrum which are given by the molecule are the spectrum due to the rotation of the molecule after absorbing the amount of energy. It is called as the rotational spectrum. Then molecule can absorb the electromagnetic radiation or radiant heat and it vibrates. And due to the vibration of the molecule, a spectrum can be observed and it is called as the vibrational spectrum. Sometimes, due to the spin of the molecule, as in case of atom, the molecule after absorbing or after getting the electromagnetic radiation or heat or energy, molecule possess rotation as well as vibration. And at that time, the spectrum which is obtained, it is called as the rotational vibrational spectra. Now, in case of the molecule, how many atoms are there? Minimum, how many atoms may be there? Molecule kya hai? Aapko samajh mein aa gaya? Bahut simple definition hai molecule ki. Kisko bolte hai baba molecule? Jisme? Particles, do se zyada particles hai. पार्टिकल्स या एटम? एटम्स रहते हैं, दो से ज्यादा दो एटम रहेंगे. मॉलिक्यूल बनता है कैसे? कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स है. तो कॉम्बिनेशन बोले तो जमा, जमा बोले तो यकीनन समझ में आती है अपने बात के मिनिमम दो रहना, मैक्सिमम कितने भी रहो. एक एटम अगर रहा तो हम उसको मॉलिक्यूल नहीं बोलेंगे. दो एटम रहे तो डायटोमिक है कि नहीं? डायटोमिक मॉलिक्यूल, ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल, एम ए करेक्ट? दो तीन चार बहुत ज्यादा रहे. यस, डाई ट्राई हेक्सा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स. सो अब हम इतना तो समझ में आ गया होंगे आपके गुज़िश्ता तीन लेक्चर से कि मॉलिक्यूल जो कि दो या दो से ज्यादा एटम्स का मजमुआ है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लेने के बाद इसके पार्टिकल एक मखसूस अमल से गुजरते, यानी कि मॉलिक्यूल कभी रोटेट होता, रोटेट समझता, रोटेट होते हैं एक्सिस लगता उसको, है कि नहीं? रोटेशन बोलते ना, पढ़ के आए ना आप उन्हें, है कि याद? रोटेशन ऐसा. yes. तो एक्सिस के अतराफ रोटेट होता, कभी वाइब्रेट करता, कभी रोटेट और वाइब्रेट दोनों भी होते, और कभी ट्रांसिशन होता. और ये जब भी इन अमल से गुजरता, रोटेशन की अमल से गुजरता, तो इसका भी एक स्क्रीन के ऊपर कुछ ना कुछ है तो स्पेक्ट्रम लाइन, क्योंकि एनर्जी बदलती, रोटेशन हुआ, एनर्जी बदली एटम्स की, एटम्स की एनर्जी बदली, तो एटम्स की एनर्जी बदली मतलब उस मॉलिक्यूल के अंदर, एटम्स के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर में तब्दीली हुई, लिहाजा इनकी तब्दीली है एनर्जी किसको जन्म देती? स्पेक्ट्रल लाइन्स को. और एक स्पेक्ट्रल लाइन्स का एक मजमुआ नजर आता है स्क्रीन के ऊपर या फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर, और वही अलग अलग एनर्जी का मजमुआ, अलग अलग कलर का मजमुआ, अलग अलग जो है तो पट्टे, आम अल्फाज में उसको ही हम हमारे अल्फाज में क्या बोलते हैं फिजिक्स की लैंग्वेज में, वो कौन है? स्पेक्ट्रम. थोड़ा सा आवाज बढ़ाइए बेटा आपका, स्पेक्ट्रम, एम ए करेक्ट? और अब ये स्पेक्ट्रम कितने किस्म के है ये भी हमने देख लिया. नाउ आफ्टर हैविंग सीन all the introductory concept of the molecular spectra, now coming back to our first
इम्पोर्टेंट आर्टिकल, पहले कभी इम्पोर्टेंट था लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ओरिजिन ऑफ प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रम ऑफ मॉलिक्यूल। इसमें मतलब कौन से क्या देख रहे हम कि रोटेशनल स्पेक्ट्रम कब आता, किसका किसका रोटेशनल स्पेक्ट्रम मिल रहा, मॉलिक्यूल का, जब मॉलिक्यूल के ऊपर कोई एनर्जी डाल रहे हैं, मॉलिक्यूल कौन से अमल से गुजर रहा, रोटेशन के अमल से गुजर रहा। सो लेट अस कंसीडर, यस लेट अस कंसीडर दैट देयर इज ए मॉलिक्यूल हैविंग द टू एटम्स, हैविंग द टू एटम्स, डायटॉमिक मॉलिक्यूल है। फर्ज कीजिए ये दो एटम जो है, फर्स्ट वन इज हैविंग द मास m1, सेकंड वन इज हैविंग द मास m2। दिख रहा आपको स्लाइड नजर आ रही है? तो कंसीडर ए डायटॉमिक मॉलिक्यूल, फर्ज कीजिए कि एक डायटॉमिक मॉलिक्यूल है कंसिस्टिंग ऑफ द एटम्स हैविंग द मास m1 एंड m2। द डिस्टेंस बिटवीन द टू मॉलिक्यूल, क्योंकि एटम मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल के अंदर जब दो एटम है तो इनके दरमियान फासला भी रहेगा। द डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स इन द मॉलिक्यूल इज सपोज कैपिटल R। Can you see this one, please? ये पहला मॉलिक्यूल है नंबर वन, ये नंबर दो, पहली की मास m1, दूसरे की मास m2, दोनों के दरमियान का फासला कैपिटल R। अब ये मॉलिक्यूल रोटेट हो रहा, दिस मॉलिक्यूल और दिस डायटॉमिक मॉलिक्यूल कैन रोटेट अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, यानी कि ये जो मॉलिक्यूल है दोनों को एटम को मिलके जो मॉलिक्यूल बना उसके सेंटर में से बीचों बीच में से एक एक्सिस जा रहा और उस एक्सिस के अतराफ मॉलिक्यूल क्या कर रहा, रोटेट हो रहा। दिस डायटॉमिक मॉलिक्यूल कैन रोटेट, फिगर में से आपको दिख रहा होगा ये एक्सिस है, कैन यू ऑब्जर्व द फिगर प्लीज वेरी कीनली, देखिए ये एक्सिस है इसके अतराफ, ये मैंने तीर के निशान से भी बताया कैसा रोटेट हो रहा मॉलिक्यूल, ये देखो ये उसका रोटेशन है, दिख रहा है कि इलिप्टिकल शक्ल बन गई, एक अंडा आकृति बैजी शक्ल में, और ये जिसमें से पास हो रहा है ये मॉलिक्यूल का क्या है, ये अगर ऐसा इतना पूरा मॉलिक्यूल तो ये उसका सेंटर है ना, तो एक्सिस कहां से पास हो रहा, सेंटर में से, समझ में आ गई बात। तो मॉलिक्यूल जो है तो कौन से एक्सिस पे रोटेट हो रहा बोलेंगे हम, मॉलिक्यूल इट इज रोटेट अबाउट इट्स सेंटर ऑफ, समझता ना, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास समझता क्या? Yes. जब कोई बॉडी या जब कोई जिस्म रहता तो उस बॉडी के अंदर, उस जिस्म के अंदर एक ऐसा पॉइंट रहता जहां पर पूरी की पूरी मास उसकी कॉन्सेंट्रेट रहती, उसको बोलते सेंटर ऑफ मास, है कि नहीं? तो वो सेंटर ऑफ मास के एक्सिस में से बीचों बीच, या आम अल्फाज में मोटे मोटे अल्फाज में तो समझने का, तो उसका सेंटर, और उसके सेंटर में से जैसे मिसाल के तौर पर ये बॉडी है, अभी मैं यहां से अगर ये बीचों बीच में ऐसा लूं तो मैं इसको खड़े कर सकता ना अपने उंगली के ऊपर सेंटर में रखूं मैं ऐसा, तो है कि नहीं, उसको क्या बोलेंगे, और इसमें से जो एक्सिस पास होगा ऐसा मैं फिरा सकता है इसको अगर थोड़ा सा ऐसा होल्ड कर लूं, है कि नहीं? तो उसको क्या बोलते हैं हम, एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ, ठीक है, सेंटर ऑफ मास से पहले मॉलिक्यूल का फासला, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ मास और एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द फर्स्ट मॉलिक्यूल इज सपोज आर वन, and distance between the axis of rotation and second molecule is suppose r2, dikh raha, pehle molecule ka axis of rotation se faasla kitna m r1, aur dusre molecule ka axis of rotation se faasla kitna r2, aur ye dono mila ke kamobesh kitne r1 plus r2 is nothing but it is distance between capital r, कैपिटल आर, यानी कि किसके किसके दरमियान का फासला, डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स इन द मॉलिक्यूल, समझ में आ गया पिक्चर, समझ में आ गया? ये हम एक फर्ज कर रहे हैं कि एक मॉलिक्यूल है दो एटम का बना हुआ है, और ये मॉलिक्यूल क्या कर रहा, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे रोटेट हो रहा। अब जब रोटेट होता तो आपको मालूम आ रहा है रोटेशन का एक्सिस कौन सा है, कहां से पास हो रहा एक्सिस, सेंटर ऑफ मास से, तो आपको मालूम है आपने 12th पे पढ़ के आए कि जो बॉडी रोटेट होती उसको उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहता, याद आ रहा है कि जी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जमूत का मियारी असर, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के दो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के दो प्रिंसिपल देखे आपने, प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस और प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस, याद आता क्या आपको,
पूरा एग्जैक्ट याद ना आता होगा, लेकिन ऐसा कुछ पढ़े याद आता क्या मदिया? जी सर। हाँ, तो अब यहाँ पर चूंकि हमारा मालिक्यूल बॉडी के नाम पर कौन है, हमारा मालिक्यूल है, और इस ये मालिक्यूल जो है तो अपने इसका एक एक्सिस है, जो उसका एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, यानी कि परपेंडिकुलर एक्सिस है, तो उस वक्त जो है तो प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस हम लागू कर सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के वास्ते। देयरफॉर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द मॉलिक्यूल अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास एट परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द एटम इज नथिंग बट इट इज गिवन बाय आर इज इक्वल टू एम वन आर वन स्क्वायर प्लस एम टू आर टू स्क्वायर। ये क्या है जी? ये आपको याद होगा, याद नहीं होगा पुराना तो याद कर दीजिए। ये है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टू परपेंडिकुलर एक्सिस। याद आता थोड़ा सा, मतलब ये एग्जैक्ट ये याद ना आ रहा हो, लेकिन ये क्या चीज है ये तो समझ सक रहे हैं आप मदिया, अफ्या, तरन्नुम, सॉरी तबस्सुम। मदिया बोलो ना बेटे। जी सर। चलिए, यानी कि आय क्या है, ये मॉलिक्यूल का क्या है आय? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका ये फार्मूला है, कहां से आया फिर फार्मूला? ये फार्मूला कैसे आया नहीं, बल्कि हमको मालूम है कि ऐसी बॉडी जो सेंटर ऑफ मास के एक्सिस के अतराफ रोटेट हो रही और वो एक्सिस उसको परपेंडिकुलर है, तो उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के वास्ते एक प्रिंसिपल है जो ये है I is equals to m1 r1 square plus m2 r2। m1 m2 क्या है जी? देखिए पीछे क्या है, क्या है m1 m2? मास। किसके बोलो ना, खड़ भाई माइक स्विच ऑफ करो, बोलो कि भाई m1 पहले पार्टिकल पहले एटम का मास है, m2 दूसरे एटम की मास है, बोलो ना, उसमें शर्मने की क्या बात है, बोलिए मास, अनम्यूट कीजिए, बोलिए प्लीज। M1 is the mass of first atom, M2 is the mass of second atom. What is R1 and R2? What is R1 and R2? Distance of first atom and distance of second atom. From? Center of mass. From center of mass. From axis of rotation. Lihaza, M1 R1 is equals to M2 R2. क्योंकि by the definition of center of mass, क्योंकि center of mass बीचों बीच में है, तो हमारी definition तो ये बोलती है कि अगर center of mass के मतलब बीचों बीच, तो फिर दो बीचों बीच किसका बीचों बीच? दो atom का बीचों बीच। तो फिर इसका मतलब center में अगर वो line है, तो R1 should be equal to R2, है कि नहीं? क्या होना चाहिए? R1 should be equal to R2, यानी कि by M1 R1 is equals to M2 R2। दोनों भी आइटम जो है तो सेम है, सेम मास रखते समझो, तो M1 R1 is equals to M2 R2 by definition, लेकिन R1 plus R2 is equals to capital R from the figure, I understand? M1 R1 is equals to M2 R2, काय की वजह से? By definition of center of mass, लेकिन capital R is equal to क्या? R1 plus, है क्या? R1 plus R2 is equals to capital R, therefore equation 2 और 3 का इस्तेमाल करके ऐसा बनूं कि मैं यहां पे मैं R1 लेता हूं, R1 is equals to M2 upon this one, it is M1 plus M2 into R, and R2 is equals to M1 plus M divided by M1 plus M2 into R। समझ में आया कि कैसे आए? इक्वेशन नंबर और 2 3 का इस्तेमाल करके क्या निकाला मैंने? R1 निकाला और R2 निकाला। किसके टर्म में आए दोनों ये R1 R2? कैपिटल R के टर्म में आ गए। Am I correct? Putting this value of small r1 and small r2 in equation number 1. क्या है equation number 1? I is equals to m1. ये m1 जैसा के वैसा. R1 square. R1 क्या है? Radius of. हाँ ना, तो ये यहाँ value है ना उसकी. ये formula रखनी है ना यहाँ. M2 square upon m1 plus m. आप इक्वेशन नंबर 2 और 3 समझे क्या बेटी? इक्वेशन नंबर 2 और 3 दिखी क्या तुम्हारे को? M1 R1 is equal to M2 R2 देख लिया आप? काय की वजह से आया ये? डेफिनेशन की वजह से।
कैपिटल आर, आर वन प्लस आर टू है, ये भी समझ में आ गया आपके? इक्वेशन नंबर दो और तीन का इस्तेमाल करके आर वन और आर टू निकाल सकते क्या हम? जी सर। अब ये आर वन मिल गया, आर टू मिल गया, जो कि कैपिटल आर की टर्म में है। अब ये कैपिटल स्मॉल आर वन और स्मॉल आर टू की कीमत इक्वेशन नंबर वन में रखिए। क्या है इक्वेशन नंबर वन? आय, ये आय यम वन, यम वन आर वन कितना है? ये बराबर है क्या? यम टू स्क्वायर अपॉन यम वन प्लस यम टू आ गया। ये रखे पूरी आर वन की कीमत रखे, आर टू की कीमत रखे, तो क्या मिलेगा सॉल्व करने के बाद? आई इज इक्वल टू यम वन यम टू अपॉन यम वन प्लस यम टू इन टू आर स्क्वायर। ये जो ये पूरा क्वांटिटी है ना, यम वन यम टू अपॉन यम वन प्लस यम टू, इसको एक कॉन्स्टेंट पकड़ के मैं यम डैश लिखू तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसा लिख सकता है कि आई इज इक्वल टू यम डैश आर स्क्वायर। ये पूरा कॉन्स्टेंट ही है ना, ये क्या बदलेगा ये? Yes. तो इट इज आई इज इक्वल टू यम डैश आर स्क्वायर, वेयर द रिड्यूस मास इज यम इज डिफाइंड एज यम डैश इज इक्वल टू यम वन अपॉन आर। ठीक है, अब ये बॉडी क्या कर रही जी? रोटेट कर रही, तो इसको जो है तो एंगुलर मोमेंटम रहेगा क्या? नहीं, पुराना अपना नॉलेज खाली पुराने बात है, पूरे वेलोसिटी एंगुलर एक्सीलरेशन मास, लेकिन खाली कौन कर रहा है? कोई एक सादा पार्टिकल या कोई एक बॉडी नहीं कर रही, बल्कि यहां कौन रोटेट हो रहा? मॉलिक्यूल, जो कि अपन उससे देख रहे, बाकी पूरे बात है वैसे तो। दिस मॉलिक्यूल विच इज वाइब्रेट विच इज रोटेटिंग इट पजेस द एंगुलर मोमेंटम यल and that angular momentum is given by L is equals to I omega. Angular momentum हम L से denote कर, इसका formula है angular momentum का, मालूम है आपको? L is equals to angular momentum L is equals to I into omega, formula पढ़ के आए आप। Where what is I? Moment of inertia. Omega angular frequency, and therefore the angular momentum of, अब यहाँ किसका angular momentum ले रहे आपको? Rotating diatomic molecule is quantized. हमने पहले पढ़ के आए। Therefore, that angular momentum is given by L is equal to under root J into J plus 1 into S cross. हुआ क्या अपना ये? Yes, sir. तो small L रहा तो एक atom के वास्ते, और दो या तीन atom रहे तो अपन क्या लेते थे? Capital L. तो orbital angular momentum capital L is given by under root J into, वो भी J भी capital, J into J plus 1 into H cross is equals to J is equal to, where J is equal to 0, 1, 2, 3. Where J is called as what? J को क्या बोलते हैं अपन यहाँ? Total quantum number. Yeah, total rotational quantum number. And therefore, total kinetic energy of the diatomic molecule is equal to 1 half I omega square. बराबर है क्या? 1 half mv square रहता ना? Can you see? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है। Can you see now? मेरी आवाज आ रही है अब आपको? Yes sir. हाँ, तो कहाँ चल रहे थे हम? क्या बताए हम आपको? ये दिख रहा आपको ये पार्ट? चलो आगे। काइनेटिक एनर्जी का जनरल क्या फार्मूला है जी? लीनियर मोशन रहता तो 1/2 mv स्क्वायर, बराबर है क्या? लेकिन एंगुलर मोमेंटम रहा तो 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। यम के जगह पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया और वी के जगह पे एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज 1/2 यम ओमेगा स्क्वायर। लिहाजा एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 ओमेगा स्क्वायर, या लेकिन ओमेगा यहाँ पर हमारे पास एल की कीमत ये है एल स्क्वायर अपॉन टू आई, देयरफॉर इट इज जे इनटू जे, इसको स्क्वायर लेना पड़ेगा एल का, जे इनटू जे प्लस 1 एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन टू आई। समझ में आया कि ये इक्वेशन कैसी आई? तो क्योंकि एनर्जी कौन सी है प्योरली? काइनेटिक, लिहाजा फिर अब ई जे यानी के टोटल एनर्जी ऑफ द एटॉमिक मॉलिक्यूल इज इक्वल्स टू 1/2 यम की जगह पे आई ओमेगा स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर अपने को मालूम है आई क्या है? एंगुलर मोमेंटम। लेकिन ये इसके उसमें क्या है? ये है एंगुलर मोमेंटम यल टू आई,
वन हाफ यम का ये, लिहाजा यल की कीमत कितनी है, दिस वन, यस इट इज आया. Therefore, rotational transition occur only in those molecule which possess the permanent electric dipole moment. And for this reason, non-polar diatomic molecules such as hydrogen and symmetric polyatomic molecules such as carbon dioxide or CH4 do not exhibit rotational spectra. क्या बोलना चाह रहे हैं अपुन? ये एनर्जी को देख के बात ये समझ में आई कि rotational transition खाली उसमें होता है, यानी कि occur only those molecule which possess permanent इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट. किसको बोलते हैं जी डायपोल? डायपोल बोलते किसको? जिसके अंदर दो पोल रहते, पॉजिटिव और अपन कलिज पढ़े ना, परमानेंट डायपोल रहा तो छोटा बोल के याद है क्या आपको? पोल किसको बोलते? तो अपने सेकंड ईयर में भी देखे थे ना सॉलिड के औकात, यानी कि जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज का एक सेक्शन और निगेटिव चार्ज का एक सेक्शन रहता उसको बोलते डायपोल. डायपोल क्वाड्रोपोल हुआ क्या? हाउ नहीं कुछ बोलो बेटे. यस सर हुआ. हाँ, तो यहाँ पर ये बता रहे कि रोटेशनल ट्रांजिशन या रोटेशनल मोशन या रोटेशनल स्पेक्ट्रम उसी मॉलिक्यूल का दिखता है जिसके अंदर परमानेंट डायपोल इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, और इसी वजह से नॉन डायटॉमिक मॉलिक्यूल यानी कि सच है कौन से मॉलिक्यूल? डायटॉमिक मॉलिक्यूल कौन से? जिसके अंदर दो आइटम है, हाइड्रोजन H2 और सिमेट्रिक पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड या CH4 डू नॉट एग्जिबिट रोटेशनल स्पेक्ट्रा. अब अगर ये सिलेक्शन रूल जो है, अब ये सिलेक्शन रूल पढ़ के आया अपने कैपिटल J के डेल्टा J इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/2, देन रोटेशनल स्पेक्ट्रा इज ऑलवेज ऑब्टेन इन द अब्सॉर्प्शन. हेंस फॉर ट्रांजिशन फ्रॉम वन इनिशियल स्टेट ऑफ द क्वांटम नंबर J टू नेक्स्ट स्टेट या नेक्स्ट हायर स्टेट ऑफ द क्वांटम नंबर J प्लस 1, यानी कि जब रोटेशन करके क्वांटम नंबर J से अगले को J प्लस 1 को जाएंगी तो फ्रीक्वेंसी विल बी अब्सॉर्ब्ड या फ्रीक्वेंसी ऑफ द अब्सॉर्ब्ड फोटॉन विल बी गिवन बाय न्यू J. J गोज फ्रॉम J प्लस 1 इज इक्वल्स टू डेल्टा E अपॉन H. लेकिन डेल्टा E कितनी है? E रेस J ऑफ J प्लस 1 माइनस E ऑफ J इज अपॉन H. लिहाजा दोनों को सॉल्व करें तो H क्रॉस 2 पाई आई J प्लस 1 एंड द स्पेक्ट्रम ऑफ द रिजिड मॉलिक्यूल देयरफॉर कैन बी कंसीडर लाइक दिस. ये इस तरह का स्पेक्ट्रम आपको दिखाई देगा. किसका काय का स्पेक्ट्रम है ये? कौन सी एनर्जी क्या कर रहा था मॉलिक्यूल तो ऐसा स्पेक्ट्रम दिखा अलग अलग वैल्यू ऑफ J के वास्ते. J इज इक्वल टू क्या कीमत हो सकती J की? J किसको बोलते बोलो ना बेटी? टोटल एनर्जी. J J J टोटल एनर्जी नहीं है, टोटल क्वांटम नंबर पढ़ के आए ना अपने. जे एल एम एस एम एल याद आता क्या? जरा थोड़ा सा पुराने वीडियो देख लीजिए प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटिया. तो आपने वो क्या बता रहे के द फ्रीक्वेंसी डिफरेंस बिटवीन द टू सक्सेस, ये इस तरह का स्पेक्ट्रम दिखता आपने को. कौन सा स्पेक्ट्रम है ये? रोटेशनल स्पेक्ट्रम है. किसका? मॉलिक्यूल का. कौन सा मॉलिक्यूल? डायटम. ये क्या है जी? ये क्या है जिसके ऊपर मेरा कर्सर फिर रहा? क्या बोलेंगे इसको? बोलो ना बेटे. गलत बोलो जी बेटे, मगर बोलो प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है बोलो जी बेटे, नहीं तो मैं पीरियड ही ऑफ कर देता हूँ कल से. लेता ही नहीं पीरियड ही नहीं लेता अगर आप लोग बोलना. गलत बोलो ना बेटे, क्या हो रहा? क्या है ये? क्या है इसको? क्या बोलते हैं ये क्या है? ये मेरा कर्सर फिर रहा, कुछ तो बोलो. नहीं मालूम है बोलो, मैं बोलता हूँ. बोलो क्या है ये क्या है? ये आड़े लाइन है, क्या है ये? स्पेक्ट्रल लाइन नहीं बल्कि एनर्जी लेवल्स है ये. ये पहला एनर्जी लेवल है जब J इज इक्वल टू 1 और एनर्जी पहली है एनर्जी. ये दूसरा एनर्जी लेवल है, ये तीसरा एनर्जी लेवल है, ये छठा एनर्जी लेवल है, ये आगे का एनर्जी लेवल है. एम ए करेक्ट? अब हाउ नहीं बोलते रहो अनम्यूट रह के. तो कब कब है? व्हेन J इज इक्वल टू 1, J इज इक्वल टू 2, J इज इक्वल टू 3. और ये इस तरह का स्पेक्ट्रम यानी जंपिंग फ्रॉम 1 टू 10, इस तरह का जो स्पेक्ट्रम दिखाई देगा ये आड़े लाइन के साथ स्पेक्ट्रम है, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ. इसको अगर खड़े लाइन के साथ दिखा तो ऐसा दिखता. तो ये क्या है ये पूरा? ये क्या दिख रहा तुम्हारा को ये? या ये क्या है ये बोलो? क्या है ये? क्या है ये? रोटेशनल स्पेक्ट्रम ऑफ द डायटॉमिक मॉलिक्यूल.
अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का अगर हमने निकाले बाय मेजरिंग द डेल्टा न्यू यानी कि फ्रीक्वेंसी, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द मॉलिक्यूल कैन बी कैलकुलेटेड। हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले अपने अभी इसका कितना है, आई डैश इक्वल टू एम डैश आर स्क्वायर, और एम डैश क्या था वहां पे, ए थी, बराबर है क्या, पीछे करे ना पुण्य। तो दिस डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लिया कैन बी कैलकुलेटेड एंड दिस गिव्स द लेंथ ऑफ केमिकल बॉन्ड बिटवीन द एटम्स। तो ये हो गया आपका रोटेशनल स्पेक्ट्रम इस अंदाज से, आया समझ में? So we shall stop here today. Now if you want to ask any question, please ask me.